हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। तो जैसा कि हिंदी व्याकरण में हम मुहावरे पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर हमने कुछ मुहावरे पढ़े और इनके हमने आपको वाक्य प्रयोग करने के लिए कहा था। उम्मीद कर रही हूँ सभी बच्चों ने इसका वाक्य प्रयोग किया होगा। आइए आगे के मुहावरों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, बहुत शोर करना अर्थात आंचल पसारना, ठीक है, आंचल पसारना यानी कि भीख मांगना, ठीक है, आंचल पसारना अर्थात भीख मांगने को हम क्या कहते हैं, आंचल पसारना। आंधी के आम होना, बहुत सस्ती वस्तु मिलना, आंधी के आम होना बहुत सस्ता मिलना। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरों को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और आप भी साथ साथ इन मुहावरों को लिखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर एक हम आंख दिखाना, आंख दिखाने का मतलब क्या हो जाएगा, आंख दिखाना, आंख दिखाना। आप आंख किसको दिखाते हो, जब आप बहुत क्रोध करते हो तो तब आप किसी को आंख दिखाते हो। आंख दिखाने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्रोध। अब वाक्य प्रयोग आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से इसका क्या करेगा, वाक्य प्रयोग करेगा, ठीक है। तो जब आप क्लास में शोर करते हो, आपकी कक्षा जब शोर करती है, तो कई बार आपको टीचर भी आंख दिखाता है ना, और फिर आप आंखें देख करके ही चुप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्लासरूम में भी क्या होता है, बच्चे बहुत शोर जब करते हैं, अनडिसिप्लिन जब हो जाते हैं, तो टीचर कई बार आप लोगों को सिर्फ पूरी क्लास में आंख दिखाता है, और वो जो है फिर आप जो है समझ जाते हैं कि टीचर को गुस्सा आ गया है, आप पिटने वाले हैं, ठीक है ना। तो आंख दिखाने का मतलब हो जाएगा क्रोध करना। चलिए लिख लीजिएगा, आंखों से ही देखिए, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना क्या हो जाएगा, इसका मतलब आंखों में धूल झोंकना अर्थात क्या करना, धोखा देना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, धोखा देना, धोखा देना। आंख दिखाना, आंखें दिखाना क्रोध करना, आंखों में धूल झोंकना धोखा करना, इशारे पर नाचना, वश में या होना, ठीक है, इशारे पर नाचना, किसी के वश में
हो जाना या बस में। इसके बाद है इस हाथ देना, उस हाथ लेना, हाथ देना और उस हाथ लेना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या है? इस हाथ देना और इस हाथ लेना का मतलब ये हो जाता है कि किसी भी काम का तत्काल जो परिणाम मिल जाता है उसको कहेंगे इस हाथ देना और उस हाथ लेना। लिखेंगे तत्काल परिणाम मिलना, तत्काल परिणाम मिलना। इम्पोर्टेंट उल्लू बनाना, ये तो सभी यूज करते हैं कि उसने मुझे उल्लू बना दिया, है ना। उल्लू बनाना अर्थात उल्लू बनाने का मतलब क्या हो जाएगा, मूर्ख बनाना। ऊंचा सुनना, ऊंचा सुनना इसका मतलब बहरा होना या कुछ बहरा होना, क्योंकि पूरा बहरा नहीं, कुछ बहरा होना। बहरा जानते हैं आप, जो सुनता कम है, ठीक है, बहरा होना, कुछ बहरा होना जो कम सुने। और बहरा होना तो पूरा ही ना सुनना है, ठीक है। तो ऊंचा सुनने का जो अर्थ है कुछ बहरा होना। चलिए इसको जल्दी लिखेंगे, ओखली में सिर डालना, ठीक है। ओखली में सिर डालना इसका मतलब हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ओखली में सिर डालना अर्थात जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। चलिए नेक्स्ट है, कहा सुनी हो जाना। कहा सुनी हो जाना, तो कहा सुनी हो जाना झगड़ा होना, झगड़ा हो जाना। तो झगड़ा जब हो जाए तो हम कहते हैं कहा सुनी हो जाए। फिर किरी होना, अपमानित होना। चलिए जल्दी जल्दी लिखेंगे, किरकिरी होना यानी कि अपमानित होना। चलिए आगे देखिए, इसको लिख लिया सभी ने,
यहाँ पर देखिए हमने कुछ मुहावरे लिखे हैं, जिसमें आपका पहला है आंख खुलना क्रोध करना, आंखों में धूल झोंकना, चलिए आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। इसके बाद है इशारे पर नाचना यानी कि वश में करना, इस हाथ देना और उस हाथ लेना अर्थात कि तत्काल परिणाम जो है मिलना, यानी कि किसी भी कार्य को आपने अभी किया और तुरंत उसका जो परिणाम मिल गया, आप इस हाथ देंगे और उस हाथ लेना। उल्लू बनाना सभी जानते हैं, मूर्ख बनाना, ऊंचा सुनना यानी कि कुछ बहरा होना, ओखली में सिर डालना अर्थात जानबूझकर जो है मुसीबत में पड़ना, है ना, कहा सुनी हो जाना झगड़ा करना, ये जो है नॉर्मल आपके जो मुहावरे हैं जो अक्सर आपके घरों में भी ये प्रयोग किए जाते हैं, घर गांव में ये प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए कहा सुनी झगड़ा होना और किरकिरी होना यानी कि अपमानित होना। किस्मत खुलना, उन्नति करना, किस्मत खुलना यानी कि उन्नति के दिन आना, इसके बाद है फूला ना समाना, ये हो जाता है खुश होना या अत्यधिक खुश होना, आप देख सकते हैं बहुत खुश होना, अत्यधिक खुश होना, फूला ना समाना, बहुत खुश होना। खून खौलना, आंख दिखाने का मतलब होता है क्रोध करना, लेकिन खून खौलने का मतलब हो जाता है बहुत क्रोध करना। खून खौलना अर्थात बहुत क्रोध करना। के बाद है घोड़े बेच कर खाना सोना, तो लगभग सभी घरों में प्रयोग किए जाते हैं जहां ज्यादा लोग सोते हैं, तो क्या कहते हैं घोड़े बेच कर सोना अर्थात क्या हो जाता है इसका मतलब, चलिए बताएंगे आप क्योंकि तो सभी इसका प्रयोग करते हैं। घोड़े बेच कर सोना, गहरी नींद में सोना। एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है छोटा मुंह बड़ी बात, कई बार सुनते भी हैं आप, प्रचलित भी है छोटा मुंह बड़ी बात, तो इसका मीनिंग अर्थ क्या हो जाएगा, हैसियत से
अधिक बोलना। कई बार आपने टीवियों में भी देखा होगा, जब पिक्चर में आप देखते हैं तो वहां पर जो उनके नौकर होते हैं तो वो कोई बात कहते हैं और इससे पहले वो यही मुहावरा बोलते हैं कि माफ कीजिएगा साहब, छोटी मुंह बड़ी बात। फिर वो अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहले वो ये बताते हैं कि हम अपनी हैसियत से ज्यादा बोल रहे हैं, है ना। तो ये अब मुहावरा बड़ा ही प्रचलित है। तो छोटी छोटा मुंह बड़ी बात। चलिए जल्दी जल्दी आप इसको लिखते रहेंगे साथ साथ। फिर है जख्म हरा होना, जख्म हरा होना। इसका अर्थ आप बताएंगे। जख्म हरा होना अर्थात बीते हुए कष्ट पुनः याद आना। जख्म हरा होना अर्थात बीते हुए जो कष्ट होते हैं वो जब याद आते हैं फिर से तो आप क्या कहते हैं, जख्म हरा हो गया है। ठीक है, कई बार आपको आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कि आप जो हैं जी चुराते हो, जी चुराते। चलिए इसका अर्थ बताएंगे। जी चुराना, तो जब आप किसी काम को मन से नहीं करते हैं तो आपको आपके बड़े क्या कहते हैं, जी चुराते हैं। काम में मन न लगना। काम में मन न लगना। जेब भरना, जेब भरना। तो जेब भरने का जो अर्थ है अनुचित ढंग से पैसा कमाना, अनुचित ढंग से पैसा कमाना, धन कमाना। अनुचित ढंग से पैसा या धन लिख सकते हैं आप यहाँ पर। पैसे में तो बस पैसा ही आएगा, धन में धन कमाना। चलिए तो अनुचित ढंग से धन कमाना, जेब भरना। कई बार आप क्या करते हैं, जब आपको कुछ काम कहा जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। क्या करते हैं, टाल मटोल करना। क्यों करते हो आप टाल मटोल? फिर आप क्या कर रहे हैं उस टाइम? आप बहाना मारना या बहाना करना।
टाल मटोल करना, बहाना मारना या बहाना करना। फिर है तारीफ के पुल बांधना, तारीफ के पुल बांधना। तारीफ के पुल बांधना, इसका मतलब क्या होता है? कई बार आपके कुछ परिचित भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी ही तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, ये तो अपनी ही तारीफ के पुल बांध रहा है, अर्थात अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है ना? क्या अत्यधिक प्रशंसा करना, तारीफ के पुल बांधना अर्थात अत्यधिक प्रशंसा करना। चलिए जल्दी से लिख लेंगे इन सभी मुहावरों को, सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहला है किस्मत खुलना, यानी कि उन्नति के दिन आना। किस्मत खुलना यानी उन्नति के दिन आना। अब वाक्य प्रयोग आप खुद से करेंगे या फिर, ठीक है? अब देखिए, जब किसी की लॉटरी लग जाती है तो तब हम क्या कहते हैं, लॉटरी क्या लगी भाई, शाम की तो किस्मत ही खुल गई। ठीक है? इसके बाद है फूला न समाना। फूला न समाना यानी कि बहुत खुश होना। तो देखिए, आपके पड़ोसी का नाम लिख सकते हैं कि मेरी नौकरी लगते ही माताजी जो है फूला न समाई, खून खोलना अर्थात बहुत क्रोध करना, खून खोलना बहुत क्रोध करना। का मतलब हो जाएगा बहुत क्रोध करना। घोड़े बेच कर सोना, बहुत गहरी नींद में सोना, घोड़े बेचकर सोना। छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि हैसियत से अधिक बोलना, साथ साथ लिखते रहिएगा, हैसियत से अधिक बोलना। जख्म हरा होना, बीते हुए कष्ट को जो है फिर से याद करना, मुहावरे का अर्थ है। वाक्य प्रयोग आप खुद से करेंगे। जी चुराना, काम में मन न लगाना। तो जब आप किसी काम को मन से नहीं करते हैं तो फिर आपको क्या कहा जाता है कि तुम काम से जी चुराते हो। तो जी चुराने का मतलब काम में मन न लगना या किसी काम को मन से न करना। जेब भरना, जेब भरना अनुचित ढंग से धन कमाना, अनुचित ढंग से धन कमाना। ठीक है? टाल मटोल करना, बहाना करना या बहाना मारना। तारीफ के पुल बांधना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना। अच्छा,
अत्यधिक प्रशंसा करना। चलिए देख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद कुछ और मुहावरे हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखिए। दंग जाना, दंग रह जाना यानी कि चकित हो जाना, चकित हो जाना। दबे पांव आना, दबे पांव आना या फिर जाना, दोनों एक ही बात है, दोनों का एक ही अर्थ होगा। बिना आहट किए आना या जाना। या फिर जाना, दबे पांव आना या जाना, बिना आहट किए आना या फिर जाना। दम फूलना, फूलने का मतलब क्या हो जाता है? जब आप बहुत ज्यादा हाफते हो, हाफना, तो जब आप चढ़ाई चढ़ते हो तो क्या कहते हो, यहाँ मेरा दम जो है फूल गया है। दम फूलना अर्थात चढ़ाई चढ़ना, हाफना। कई बार आप क्या कहते हैं कि धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसा होता है क्या? दीवारों के कान होना, दीवारों के कान होना, दीवारों के कान होते हैं क्या? इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, दीवारों के कान होना? तो जब हम कोई किसी गोपनीय बात का किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का जो खतरा होता है, उसे कहते हैं दीवारों के कान होना। तो जब हम कोई गुप्त बात कहते हैं तो क्या कहते हैं, धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। यानी कि आपको डर रहता है हर समय कि कहीं ये बात जो है क्या ना हो जाए, प्रकट ना हो जाए। ठीक है, तो किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा।
नाक काटना। अब देखिए आपके पेरेंट्स जैसे जैसे आप बड़े होंगे और उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार यदि आप काम नहीं करेंगे तो पेरेंट्स आपको कहेंगे कि ये हमारी नाक काटेगा। नाक काटना यानी कि प्रतिष्ठा कम होना, नाक काटना कम होना या फिर नष्ट होना, क्योंकि नाक काटने का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा नष्ट होना, नष्ट होना। चलिए, नाक काटना यानी कि प्रतिष्ठा कम होना या नष्ट होना। नीचा दिखाना, ये मुहावरे अक्सर आपके भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं इन मुहावरों का अक्सर प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, नीचा दिखाने का मतलब क्या हो जाता है, अपमानित करना। नीचा दिखाना अर्थात अपमानित करना। पहाड़ टूटना, तो पहाड़ टूटने का क्या बोलते हैं, जब बहुत ज्यादा विपत्ति आपके पास आ जाती है तो फिर हम क्या कहते हैं, पहाड़ टूटना या टूट पड़ना। विपत्ति आ पड़ना, पहाड़ टूटना यानी कि विपत्ति आ पड़ना या विपत्ति पड़ना। पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाना। जान छुड़ाना, पीछा छुड़ाना यानी कि जान छुड़ाना। पेट में चूहे दौड़ना, ये तो सभी बच्चे बोलते हैं। भूख लगना, पेट में चूहे दौड़ना अर्थात भूख लगना। तो देखिए ये जो मुहावरे हैं इनका अर्थ देख लेंगे एक बार फिर से। दंग रह जाना यानी कि चकित होना, दबे पांव आना या जाना, बिना कष्ट आहत किए आना या जाना, बिना आहट किए आना और जाना, दबे पांव, दम फूलना, हांफना, दीवारों के कान होना, किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा। ठीक है, नाक काटने का मतलब हो जाता है प्रतिष्ठा नष्ट होना, नीचा दिखाना अपमानित करना। ऐसे ही पहाड़ टूटने का मतलब हो जाएगा विपत्ति आ पड़ना, और पीछा छुड़ाना, जान छुड़ाना और पेट में चूहे दौड़ना, सभी बोलते हैं बच्चे, भूख लगती है जब बच्चों को तो तब हम क्या कहते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार कुछ मुहावरे हमने आज की क्लास में लिखे हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में प्रयोग भी करते हैं और करना भी हमें चाहिए। ठीक है,
आप इन मुहावरों को याद करेंगे और साथ ही साथ इनके वाक्य प्रयोग भी आप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।